आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस को लेकर काफी सारे एड्स दिए जा रहे हैं, ट्रैवलिंग इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं और उसे सुन सुनकर लोग काफी कह रहे हैं कि वो पक गए हैं, बहुत इरिटेट हो रहा है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्या सच में आप सभी इसे फॉलो कर रहे हैं या इसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड कीजिए, घर में ही रहिए। जब तक ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो घर से बाहर ही मत निकलिए। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी यहाँ धारा 144 अर्थात सेक्शन 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत आप चार या चार से ज्यादा लोग गैदर असेंबल नहीं हो सकते। तो हमारी सरकार भी इतना इनिशिएटिव ले रहे, तो आप अपनी खुद की जान बचाने के लिए कुछ स्टेप्स जो आपको बताए जा रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि हिंदुस्तान में, भारत में लोग हैंडशेक बिल्कुल नहीं करते, हाथ जोड़कर नमस्ते करते। तो इसीलिए आपसे भी ये कहना चाहूंगी कि हेलो हाय हग करना छोड़िए, हाथ जोड़कर नमस्ते कीजिए और जितना हो सके लोगों से उतनी 1 मीटर की दूरी बनाए रखिए। और यदि आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे निमोनिया के, जैसे कि खांसी, जुखाम, सर्दी, गले में खराश वगैरह, रैशेस, तो तुरंत जाकर, बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, जाकर हॉस्पिटल में जाकर टेस्ट करवाइए। और लोग फेस मास्क लगाकर घूम रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं लोग इनिशिएटिव खुद भी ले रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भी कालाबाजारी देश में शुरू हो चुकी है। खबर ये मिली है कि जो यूज फेस मास्क है जो डंप किया गया था उसे वापिस से वॉश करके मेडिकल स्टोर में बेचा जा रहा है और इसके बढ़ते डिमांड को लेकर तो भाव भी काफी बढ़ गया है, काफी एक्सपेंसिव हो गया है। 250 तक मास्क बेचा जा रहा है ये फेस मास्क, और जो सैनिटाइजर है वो भी काफी बढ़ गया है। तो मैं ये पूछती हूँ कि जो आम इंसान है वो इसे, जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या होगा, ये मैं नहीं पूछता है भारत। और जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है वो भी काफी बंद करवा दिया गया है और जो एग्जाम्स है वो भी पोस्टपोन करवा दिए गए हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि जो बाहर का खाना है वो भी आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम नहीं बिल्कुल बंद कर लीजिए। और पार्टीज में बाहर फ्रेंड्स के साथ जाना इसे भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप डरिए नहीं, बल्कि इस कोरोना वायरस का सामना कीजिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और जब भी आपको, जब इम्पोर्टेंट हो तभी बाहर जाइए, और जब घर में वापिस से आए तो अच्छी तरह से हैंड को वॉश कीजिए, उसे सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, और तभी भोजन ग्रहण करने के लिए बैठे। सो सभी इंस्ट्रक्शंस को, हिदायतों को फॉलो कर ही आप इस कोरोना वायरस से डेफिनेटली बच सकते हैं, क्योंकि इस केसेस को देखकर, इस वायरस की वजह से इट हैज किल्ड ओवर 7000 पीपल वर्ल्ड वाइड। सो इसे आप सीरियसली लीजिए, सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए, तो आप डेफिनेटली इस वायरस से बच सकते हैं।